क्या आप महीनों से ओबेसिटी से लड़ रहे हैं, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा? या फिर क्या आप अपने क्रॉनिक डिजीजेस से परेशान हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पीसीओडी एक्सेट्रा? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। ये सब बीमारियां हमें क्यों हैं, कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। क्या ऊपर से भगवान ने आपको श्राप दिया है कि जा बच्चा, तुम्हें ये पर्टिकुलर बीमारी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर वो जेनेटिक अगर है तो सबको होना चाहिए था, आपके ऊपर भी और आपके नीचे भी, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई है। या तो वो ब्लड प्रेशर है तो हमारा बनाया हुआ है, डायबिटीज है तो हमारा बनाया हुआ है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको होने के चांसेस हैं, होगा कि नहीं होगा वो आपके हाथ में है। अब हमारे हाथ में कैसे है? वो इस तरह से है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जैसा है हमें वैसी बीमारी होने लगती है। जी हाँ, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है? अगर आप फियरफुल हैं अपने फ्यूचर को लेके या इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर को लेके तो ओबेसिटी होना तो तय है। क्यों? क्योंकि आप अपने इनसिक्योरिटी, अपने फियर को सबसाइड करने के लिए खाने का उपयोग करेंगे। आप ज्यादा खाएंगे और आप बोलेंगे कि हम फूडी हैं। नहीं, आप फूडी नहीं, आप फियर और इनसिक्योरिटी में हैं। जी हाँ। सो ये प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, सेल्फ डायरेक्टेड होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। होलिस्टिक का मतलब कि आपका फोकस जो केवल फिजिकल एस्पेक्ट पे अटक गया है उसको आपके मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी लेके जाया जाए। ओबेसिटी के पीछे जरूरत से ज्यादा खाना एक रीजन है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने के पीछे का क्या थॉट है उस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है रूट कॉज आपकी ओबेसिटी का। पीसीओडी के पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि आप रात में सो नहीं रहे, क्योंकि आपको ओबेसिटी है। आप रात में सो क्यों नहीं रहे, आपकी ओबेसिटी क्यों है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है उस पे काम करना जरूरी है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो भी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, वो ओबेसिटी हो सकती है, वो डायबिटीज हो सकता है, वो हाइपरटेंशन हो सकता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके थॉट प्रोसेस से है, आपके बिलीफ सिस्टम से है। ये बिलीफ सिस्टम आपके पैदा होने से लेकर आज तक की लर्निंग की वजह से बना हुआ है। आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं, इसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो सकती हैं अगर हम अपने ऊपर काम करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करें। ये जो थॉट प्रोसेस है ये सिर्फ तीन एरियाज ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। या तो आप हेल्थ की वजह से परेशान हैं, या आप वेल्थ की वजह से परेशान हैं, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा, या थर्ड आप अपने रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान हैं। अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज में फंसे हुए हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी होना मामूली बात है, उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रायोरिटी आपकी रिलेशनशिप है। सो फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हर एस्पेक्ट को डील किया जाएगा, आपके फिजिकल एस्पेक्ट को, डाइट, वर्कआउट, क्या खाना है, क्या वर्कआउट करना है, मेंटल एस्पेक्ट, द बिलीफ सिस्टम, जो थॉट हमारी बनी है वो कैसे बनी है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो वहां से डाउट्स और क्वेश्चंस अराइज होंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी में, जिसका जवाब आपको हेल्प किया जाएगा कि आप अपने अंदर से ढूंढें। जी हाँ, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट, फाइंडिंग आंसर्स विद इन। अभी तक हम सारे के सारे अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढते थे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाए, कभी हमें जवाब मिला ही नहीं जो हमें सेटिस्फाई करे। सो फ्रेंड्स, दिस प्रोग्राम द होलिस्टिक हेल्थ हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं आपका नजरिया वही बदल जाएगा। दैट विल बी पीसफुल, दैट विल गिव यू जॉय। और जब आपका मूड, आपका जो थॉट है वो जॉयफुल रहेगा तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल एप्ट रहेगा, बिल्कुल जॉयफुल रहेगा।
जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जॉयफुल रहेगा तो आपके सेल्स जॉय में रहेंगे, और जब आपके सेल्स जॉयफुल रहेंगे तो आपकी सारी की सारी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी। सो फ्रेंड्स, डोंट वेट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, गिव अस अ कॉल, गिव अस अ चांस टू हेल्प यू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव मेड अनकॉन्शियसली। You have the power to create your future. Yes, just by changing the way we think, just by changing the way we react to a situation, it can or we can change anything. So can't wait to see you in my program. Take care. Thank you.